फ्रेंड्स, मैं आपका आरके ब्लॉग एक आपके लिए बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में मैं शरीक हुआ हूँ और हमारे यहाँ पर बहुत सारे भाई इस वीडियो में आए कार्यक्रम में आए हैं, तो मैं आपसे इनका मिलान कराऊंगा और पूछूंगा आज कार्यक्रम में भाईजान थोड़ा अपना परिचय दीजिए और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरा नाम अनु है और मैं पार्टनर हूँ और सरकार जो कार्य मिल रहा हमारे मैसेज है और आज जो है तो कुल सही बैंक का काम किया है और सरकार जो तैयब मिलत के वानी साहब हैं तैयब मिलत और आज उनका कुल सही पुखा दिया है। लंगर भी व्यवस्था है फ्रेंड्स, तो हम आपको शरीफ का यहाँ पर जो प्रोग्राम होगा हम फ्रेंड्स आपको पूरा नज़ारा यहाँ दिखाएंगे। आप बन रहे हैं मेरे आपके ब्लॉग में, तो हम पूरा आपको शूट कर दिखाएंगे आपको, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, इसे आप देख रहे हैं अमरपाड़न के कब्रिस्तान में जो आज मजार है, दरगाह है, यहाँ पर एक कार्यक्रम जो हो रहा है और यहाँ पर बहुत सारे मुरीद भी आपको दिख रहे हैं, तो हम आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे मुरीद भाई हैं और यहाँ पर लंगर का व्यवस्था भी किया गया है, हम आपको नज़दीक दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी तरह के मुरीद, बुज़ुर्ग भी हैं, यंग भी हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ लंगर का व्यवस्था किया गया है, आपको हम दिखाएंगे यहाँ का। पब्लिक बहुत सारी है, जो मुरीद है यहाँ के, बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है, तो अभी सब इकट्ठे हो रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो आपको हम यहाँ का पूरा वीडियो दिखाएंगे। आप बन रहे मेरे वीडियो में, तो आज के कार्यक्रम के बारे में हमें बताएं आप हमारे दर्शकों को। जैसा कि ये अभी बकरीद ईद उल अजहा के 23 तारीख को ईद उल अजहा के माह मुबारक में 23 ज़िलहिज्जा को यहाँ दरगाह शरीफ का कुल शरीफ तारीख जो मेन तारीख है वो मनाई जाती है। इसके अलावा फरवरी में एक आलीशान जलसा किया जाता है जिसमें बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम जो है और नाथ खां तशरीफ़ लाते हैं यहाँ पे, और आज ही के दिन जो है तो आपका आपने पर्दा किया था तो आप ताहिरे मिल्लत का उर्स पाक मतलब कुल शरीफ चादर पोशी वगैरह और मनाया जाता है। लंगर का इंतज़ाम किया जाता है, भारी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। ओके, थैंक यू। होने लगी आल महबूब, ये बिल्कुल यकीनन सच्चाई है और ये आशिकों के इम्तहान का वक्त है कि मुर्शिदे बरहक और बड़ी खुशनसीबी है कि इस जमीन अमरपाटन में कहां से चलकर ये खानवादा यहां आया और उसको हिदायत का पाठ पढ़ाया और हमारे ऊपर एहसान किया इन लोगों ने, और ये औलिया अल्लाह की जात ये होती है जो कलबों को धो दिया करती है। इसलिए कहा गया उलमा की बारगाह पे जब आओ तो जबान संभाल कर रहो, लेकिन सूफिया की बारगाह पे जब जाओ तो दिल संभाल कर रहना, क्योंकि ये दिलों के हालात से रूबरू होते हैं। और यकीनन जो मुझसे औलिया जो कि खुदा जोई के बारी से न होते नक्श पाते कारवा जाने कहाँ जाते, और ये आज इनायात का दिन है, अताओं का दिन है, तो अपने दामनों को मुझसे बरहक सरकार पाएंगे मिलत अलैहिर रिज़वान की बारगाह में पसार कर ये चंद शेर समाज करवाने।
आल महबूब ये उलझी तकदीर सुलझाने कहाँ जाते तो ये उलझी हुई तकदीर सुलझाने। तो फ्रेंड्स, हमने आपको आज के कार्यक्रम का पूरा वीडियो दिखाया आपको। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे वीडियो कैसे लगी। साथ ही भी दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल में आपको रहस्यवरी वीडियो या कोई उत्सव त्यौहार अच्छे प्लेस आपको वीडियो यहाँ के मिलेगी आपको। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आरके ब्लॉग यूट्यूब चैनल को, और मुझे सपोर्ट करके आप मुझे बढ़ाइए प्लीज़। थैंक यू, अगली वीडियो मिलेंगे आपको। धन्यवाद, आपको वीडियो लाइक करते रहिए और कमेंट शेयर जरूर करिए वीडियो का कैसा लगा। ओके, थैंक यू, बाय।